श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। ये नौ दिन, नवरात्रे के नौ दिन हम हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म में हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे लिए बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसा कहा जाता है माँ दुर्गा अपने भक्तों की इच्छाएँ पूरी करने के लिए, मनोकामनाएँ पूरी करने के लिए, देखभाल करने के लिए माँ बनकर पृथ्वी पर उतरती है। यदि आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत समय से आप प्रयत्न तो कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप 7 अक्टूबर गुरुवार से जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, आप यदि 9 दिन घर में माता जी की पूजन करते हैं तो घर में भी ये उपाय कर सकते हैं, और यदि नहीं तो आप मंदिर में जाकर, देवी माँ के मंदिर में जाकर अपने मन की कामना को करके नवरात्रि के किसी भी दिन, 9 दिन में से किसी भी दिन आप माता जी को लाल पताका समर्पित करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप यह नहीं कर पाए तो यदि कोई आपका काम काफ़ी समय से अटका हुआ है, पूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो आप घर के मंदिर में ये कार्य कर सकते हैं। 9 दिन तक देवी माँ को 5 तरह के मेवे लाल चुनरी में रखकर चढ़ाएं। आपको 9 दिन तक रोज़ एक ही चुनरी में 5 तरह के मेवे चढ़ाने हैं। जब आप नवमी की तिथि पर पूरे 9 दिन चढ़ा चुके हों ये मेवे, नवमी को शाम को यह प्रसाद स्वयं ही ग्रहण करें, किसी के साथ बांटे ना, स्वयं ही ग्रहण करें। प्रसाद लेते समय माँ से विनती करें, आपका काम शीघ्र बन जाएगा। यदि आपका कामकाज ठीक नहीं चल रहा हो या कहीं धन रुक गया हो, कहीं अटक गया हो, तो आपका काम चलने लगेगा और रुका हुआ धन भी प्राप्त हो जाएगा। आप लक्ष्मी के आगमन के लिए एक और उपाय कर सकते हैं, बहुत छोटा सा। नवरात्रि के दिनों में रोज़ 9 दिन तक एक पीपल का पत्ता ले लें, उसे जल से स्वच्छ कर लें, उस पर सिंदूर से श्री राम लिखकर कुछ भी मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाए आएँ। ऐसा करने से आपको धन लाभ होने लगेगा। हनुमान मंदिर में नारी को यदि प्रवेश नहीं करने देते हैं तो आप ये कार्य परिवार के पुरुष या बच्चों से भी करवा सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति का एक और अचूक उपाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही सटीक उपाय है। आप 9 दिन तक नवरात्रों में पान का पत्ता बुलाएं, उसमें 1 लौंग, 1 इलायची, चाहे तो थोड़ी सी मिश्री, और यदि संभव हो तो ज़रा सा नारियल का बूरा। यह बहुत ज़रूरी नहीं है, बस लौंग और इलायची अधिक आवश्यक है। पान का बीड़ा रोज़ 9 दिन तक पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, पूरी भक्तिभाव से अपने हाथ से बनाएं और पूरे 9 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में समर्पित करवा दें। आप देखना आपके घर से दरिद्रता, दुख, कष्ट कहाँ चले जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा, और देखते देखते आपके यहाँ लक्ष्मी के सुख समृद्धि के भंडार भर जाएंगे। हमेशा घर में धन समृद्धि बनी रहे, इसके लिए नवरात्रि में आप एक और उपाय कर सकते हैं। चांदी का स्वास्तिक, हाथी, दीपक, कलश, श्रीयंत्र, मुकुट आदि, इसमें से कोई से भी एक चीज़ ले लें, एक वस्तु ले लें, खरीद के ले आएं और इसे देवी के चरणों में रख दें। नवरात्रि के अंतिम दिन उसे गुलाबी वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने की जगह पर, धन रखने के स्थान पर रख दें। इन उपायों में से आप जो भी उपाय, जितने भी उपाय कर सकते हैं अवश्य करें। आप देखना आपके जीवन से परेशानियां एकदम समाप्त हो जाएंगी। आप यह उपाय अवश्य करें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा यूं ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।